नमस्कार दोस्तों, मैं पवन और आप देख रहे हैं 5G N3। दोस्तों आज का ये वीडियो काफी कमाल का होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बेसिकली ये वीडियो रिलेटेड होगा SMM पैनल से। मैंने एक वीडियो बनाया था SMM पैनल से रिलेटेड जो कि काफी वायरल हो रहा है, व्हाट इज SMM पैनल। तो अगर वो आप मेरा वीडियो नहीं देखे तो इधर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके वो वीडियो को देख लीजिएगा। तो बेसिकली उस वीडियो बनाने के बाद मुझसे काफी सारे सवाल आ रहे थे, मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कुछ हमें ट्रस्टेबल जो कि अच्छा हो, ट्रस्टेबल हो जिसमें फंड ऐड करने के बाद हमें नुकसान ना हो और जो अच्छे से काम करे वैसा SMM पैनल बताइए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ कमाल के SMM पैनल के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको सारे चीज उपलब्ध होगा। बेसिकली दोस्तों होता क्या है, SMM पैनल में बहुत सारे लोग वर्क करते हैं। SMM पैनल देखिए कोई भी बना सकता है। SMM पैनल जिसको थोड़ा सा साइड का नॉलेज है, अर्निंग करने की इच्छा है, वो SMM पैनल बहुत से लोग बनाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, एक मंथ यूज करते हैं, एक मंथ उस पर काम करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। ऐसे में वो सब SMM पैनल बंद हो जाता है। सबसे पहला चीज आपको तो ये ध्यान देना होगा कि अगर आप SMM पैनल पे फंड ऐड कर रहे हैं, जितना आपको जरूरत हो उतना ही आप फंड ऐड करें। उसके बाद फिर जब जरूरत होगा तब आप फंड ऐड कीजिएगा। फंड एक्स्ट्रा ऐड करके आपको नहीं रखना है, नहीं तो आपका फंड बर्बाद हो सकता है। एक्चुअली बहुत सारे लोग जो SMM पैनल बनाते हैं उस पर ठीक से काम नहीं कर पाते हैं तो उसका SMM पैनल बंद हो जाता है, वैसे में आपका जो फंड ऐड किया रहता है वो बर्बाद हो जाता है। वो सब ट्रस्टेबल SMM पैनल नहीं है, बस लोग अर्निंग करने के लिए अपना खुद का बना लेते हैं काम चलाने के लिए। वो SMM पैनल कैसे बनाया जाता है आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको खुद का क्रिएट करना है अर्निंग के लिए तो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि SMM पैनल पे मेरा पेटीएम से पैसा ऐड नहीं हो रहा है, किसी का डेबिट कार्ड से ऐड नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे SMM पैनल के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ट्रस्टेबल है, हमेशा आपका वो SMM पैनल पे वर्क करेगा, आपको हर चीज से पैसे ऐड होंगे, फंड ऐड होंगे, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या पेटीएम हो या गूगल पे हो या फोन पे हो। देखिए सबसे पहला SMM पैनल मैं बताने जा रहा हूं वो है smunique.com। smunique.com इंडिया का काफी फेमस SMM पैनल है। इसमें आप फंड ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्टेबल है, आपका डाटा भी लीक नहीं होगा और ये काफी अच्छे ढंग से वर्क करता है। मैंने खुद इस पे वर्क किया है, ये काफी अच्छे ढंग से वर्क करता है, ये मिनिमम टाइम में अच्छा आउटपुट हमको देता है। देखिए smunique.com एक फर्स्ट पैनल बताया। सेकंड SMM पैनल है luxury smm panel.com.in। luxury smm panel.in ये भी काफी अच्छा SMM पैनल है। मैं जितना SMM पैनल बताऊंगा, 4 से 5 SMM पैनल बताऊंगा, ये चारों पांचों SMM पैनल आपको काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगा। और इन सब पांचों में आपको हर चीज, अगर आपको पेटीएम से फंड ऐड करना है या डेबिट कार्ड से फंड ऐड करना है या गूगल पे से करना है, आपका सारा किसी से भी आपको फंड ऐड करना है, ये सब चारों पांचों SMM पैनल में आप ऐड कर सकते हैं। और ये SMM पैनल में अगर आप फंड ऐड करके भी रख देते हैं तो आपको नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि SMM पैनल पे रेगुलर वर्क होता है, रेगुलर काम करते हैं, इनके काफी सारे वर्कर्स हैं, इसमें काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, इससे इनका कंपनी चलता है। तो ये सब SMM पैनल जल्दी बंद भी नहीं होने वाला है। सबसे पहला SMM पैनल मैंने बताया smunique.com, दूसरा SMM पैनल है luxury smm panel.in, थर्ड SMM पैनल है bestsmartpanel.com। तीन हो गया, ये तीनों SMM पैनल काफी अच्छा है। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे SMM पैनल उस हिसाब से अच्छा है, जैसे मैं जो पहले बता रहा हूँ वो ज्यादा बेटर है, जो सेकंड में बता रहा हूँ उससे थोड़ा अच्छा है। इस टाइप से मैं इसके क्वालिटी के हिसाब से डिक्रीज कर रहा हूँ SMM पैनल को। फोर्थ SMM पैनल है वो cheapworldpanel.com है, ये भी SMM पैनल काफी अच्छा है। फिफ्थ और लास्ट मैं पांच ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, फिफ्थ जो SMM पैनल है ये worldwide smm panel.com। ये SMM पैनल की खासियत ये है कि ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अच्छे तरह से वर्क करता है। ऐसे सारे SMM पैनल पे आपको डॉलर, रुपये और जितना करेंसी होता है सारे करेंसी का दिया हुआ होगा, लेकिन इस पे थोड़ा सा आपको इजी होगा क्योंकि ये आप कहीं से भी यूज कर सकते हैं, इंडिया के बाहर से भी यूज कर सकते हैं। ये वर्ल्ड वाइड काफी अच्छा SMM पैनल है, ये काफी अच्छा चलता है। मैंने पांच SMM पैनल बताए, ये पांचों SMM पैनल पे आपको कोई सा भी परेशानी नहीं होगा और इनका फंक्शन काफी अच्छा है। आप एक बार साइन अप कीजिएगा तो आपको पूरा दिख जाएगा इसमें, और काफी इजी तरीके से इन लोगों ने अपने SMM पैनल को बनाया है, ये काफी आपको हेल्पफुल होगा। और इसमें आप डेबिट कार्ड,
पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, जिसे पैसे ऐड करना चाहते हैं, फंड ऐड करना चाहते हैं, हो जाएगा। और इसमें आपको चीप रेट में भी मिलेगा। SMPL तो बहुत सारे हैं, लेकिन सब में कुछ कुछ ना डिफरेंस है। किसी में थोड़ा सस्ता मिलेगा, किसी में महंगा मिलेगा, किसी का ट्रस्टेबल नहीं होगा, किसी में कोई SMPL आपका 10 दिन बाद बंद हो जाएगा। लेकिन ये सब जो मैंने SMPL बताया, 5 SMPL, इसको आप नोट कर लीजिए। ऐसे SMPL आपके लिए काफी यूजफुल होगा। और ये सब SMPL पे आप वर्क करते हैं, इससे आप अपना जो जो इस पे फैसिलिटी दिया हुआ है ये सब आप लेते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था 5 SMPL जो मैंने बताया। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा, ये वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिला होगा, ये वीडियो से आप लोग देख लिए और SMPL यूज कर रहे हैं, अगर इसमें आपको सुविधा बुझाया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो सभी लोग देख सके और मेरा सब्सक्राइबर भी गेन हो सके। अभी नया नया चैनल है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा मुझे भी, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा तो मेरा मोनेटाइजेशन जल्दी ऑन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।